गाइस आई एम गुफरान उस्मानी, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और जिनको हाई स्कूल में मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन देना है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपका पहला अध्याय है प्रमेय व्यंजक। प्रमेय व्यंजक क्या होता है और इनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे सवाल को पूछा जाता है उनको समझने से पहले आइए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो आपको पढ़ना है गणित। गणित का मतलब होता है गिनना, यानी चीज़ों को गिनना। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और उससे बोलते हैं मुझे एक पेन चाहिए, दो पेन चाहिए या तीन पेन चाहिए, तो दोस्तों इसको इंडिकेट करने के लिए एक या दो या तीन, ये जो वर्ड का आप यूज कर रहे हैं इन्हें हम अंक कहते हैं, इनको हम अंक कहते हैं। और अंक में जिनको हम अंक कहते हैं इनको हम एक अचर राशि कहते हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। बदलने का मतलब है अचर राशियां ऐसी राशियां जिनको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, इनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 4 है दोस्तों, 4 की वैल्यू ना तो इंडिया में बदलेगी और ना ही अमेरिका में। इसलिए हम देखेंगे अगर हम 4 प्लस एक्स एक व्यंजक लिखते हैं 4 प्लस एक्स, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम भिन्न भिन्न पा सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं इसमें 4 प्लस 9, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 13। और यदि x की वैल्यू अगर हम 11 पुट करते हैं तो आप देखते हैं कि 4 प्लस 11 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 15। तो ये आपका जो वैल्यू बदल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ये चर राशि है इसके रीजन से बदल रहा है। तो जब इनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो दोस्तों हम समझते हैं चर राशि और अचर राशि क्या होती है। चर राशि ऐसी राशि को वेरिएबल भी कहते हैं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे आपने देखा 4 प्लस एक्स में अगर एक्स बराबर 9 रखा तो आपका 13 आया, जब एक्स बराबर 11 रखा तो आपका 15 आया, लेकिन 4 हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है एक अचर राशि, और अचर राशि ऐसी राशियां जिनका मान किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। और दोस्तों जैसे मैंने एक चर वेरिएबल लिया x और दूसरा एक अचर राशि हमने ली 9, अब जब इन दोनों को हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसके बाद जो संख्या बनती है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसा आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं, चर और अचर राशियों के मेल से जो संख्या बनती है उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, और जो पद बनता है उसे बीजीय व्यंजक पद कहते हैं। जैसे एक्स प्लस 9, एक्स अपान 9 एक्स इंटू 9 और एक्स माइनस 9, आप इन गणित संक्रियाओं से जब गुणा भाग जोड़ घटाव से हम संख्याओं को अचर और चर राशियों को ऐड करते हैं तो उनसे जो बनता है उन्हें हम एक बीजीय व्यंजक कहते हैं। हम बीजीय व्यंजक समझने के बाद हम देखते हैं कि जैसे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स एक वेरिएबल है, 6 जो आपका एक कांस्टेंट यानी अचर पद है, और आप देख रहे हैं एक्स की यहाँ पर पावर 2 है, इसको हम कहते हैं घात। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर की पावर होती है उन्हें हम घात कहते हैं। जैसे इस पद की पावर 2 है, इस पद की पावर जिसमें कुछ नहीं होता उसे 1 मानते हैं, तो इसकी पावर 1 है, तो इन्हें हम घात कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में घात की संख्या 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो इन्हें हम घात कहते हैं।
अब हम समझते हैं कि पद किन्हें कहते हैं। जब भी किसी संख्यात्मक अंक और अक्षर अंक को, अक्षर अंक किसे कहते हैं, जो लेटर्स से मिलते हैं, जो लेटर्स से मिलकर बनते हैं, जैसे एक्स से जेड तक जितने भी लेटर हैं, इनको हम संख्यात्मक मान कहते हैं या संख्यात्मक अंक कहते हैं। और एक होता है अंकीय, अंकीय मान वो मान होते हैं जो हमारे जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी आपके वन से लेके इनफाइनाइट तक, इवन माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी हमारी संख्या होते हैं उन्हें अंकीय मान कहते हैं। तो दोस्तों हमें समझना है कि पद किसे कहते हैं। जब किसी भी अंकीय मान और संख्यात्मक मान को गुणा करते हैं या भाग करते हैं, दोस्तों याद रखना, जब गुणा करते हैं या भाग करते हैं तब हमारे एक बीजीय व्यंजक पद का निर्माण होता है। जैसे 4x 4/x, तो ये आप देख रहे हैं इनमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का गुणा हुआ है या भाग हुआ है, इसलिए ये आपके पद कहलाएंगे, एक पद। और दोस्तों जैसे हम प्लस या माइनस किसी भी चर और अचर राशि को जोड़ते या घटाते हैं तो उनमें पदों की संख्या बढ़ती जाती है। अब हम ये देखेंगे कि कितने पद होते हैं किन्हीं भी बीजीय व्यंजक में। तो किन्हीं भी बीजीय व्यंजक में पद को जानने के लिए उस बीजीय व्यंजक में जितने प्लस और माइनस होते हैं उनकी हम काउंटिंग करते हैं, और जितने वो काउंटिंग में आते हैं उतने ही उस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या होती है। जैसे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10। अब इसमें देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अभी हमने बताया, जैसा कि मेंशन किया, जब भी संख्याएं प्लस या माइनस से मिलकर जुड़ती या घटती हैं तब हमारा पदों की संख्या बढ़ जाती है, और जब संख्या गुणा में या भाग में होती है तो उन्हें एक बीजीय व्यंजक पद कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं x स्क्वायर आपका इसके आगे प्लस है, और यहाँ पर देखिए 9x इसके भी आगे एक प्लस है, माइनस 6x स्क्वायर इस बीजीय व्यंजक पद के आगे माइनस है, और इसके आगे आपका प्लस है। तो आपने देखा कि इसमें प्लस और माइनस चिन्हों की संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, इसलिए इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 4 होगी। और दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे आपने एक संख्या लिखी 5x² y² तो आप जो गुणनखंड करते हैं, जैसे आपका 12 को गुणनखंड करना है तो आप क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं और इनको सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करते हैं और बढ़ती हुई संख्या से डिवाइड करते जाते हैं। 2 से 16, 2 से 3, 3 1 3, इसलिए आपका गुणनखंड है 2 × 2 × 3, ये आपके गुणनखंड हुए। तो वैसे आप इनमें बीजे व्यंजक वाले पद में देखेंगे कि इनका गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों जब भी इनके अंकीय मान, इवन सारे मानों को, जितने भी अंक होते हैं वो चाहे संख्यात्मक अंक हो और चाहे अंकीय मान हो, उनको जब हम गुणा करते हैं, गुणा के रूप में लिख देते हैं 5 × x × x × y, तब इन्हें बीजीय व्यंजक पद का गुणनखंड कहते हैं। हमने अभी तक समझा चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है, जब भी किसी हम बीजीय व्यंजक वाले पद को लेते हैं और उनमें देखते हैं कि उनमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक कांस्टेंट होती हैं और एक वेरिएबल होती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 5 एक कांस्टेंट है अर्थात संख्यात्मक मान कहते हैं, एक्स स्क्वायर वाई एक अक्षर मान है यानी बीजीय मान है। तो हम 5 का गुणांक जो है एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 5 है, इसलिए इसे संख्यात्मक गुणांक कहते हैं और इसे बीजीय गुणांक कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, गुणांक वो होता है जब जनरली हम कहते हैं कि इस टर्म का गुणांक क्या होगा, तब हम
उसके संख्यात्मक मान को लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए टेन एक्स स्क्वायर वाई और आपसे पूछा जाए इनमें आपका गुणांक क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बीजीय व्यंजक पद का गुणांक 10 है। वैसे तो इसे बीजीय गुणांक कहते हैं और इसे अंकीय गुणांक कहते हैं। इतना समझने के बाद हम समझते हैं कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें कितने पद होते हैं। तो दोस्तों ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें पदों की संख्या एक हो उन्हें हम एक पदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x, x में आप देख रहे हैं एक पद है माइनस एक्स पावर 30y, ये भी एक पद है एक पदीय बीजीय व्यंजक। वैसे द्विपदीय बीजीय व्यंजक जिनमें पदों की संख्या मैक्सिमम दो होती है, जैसे एक्स पावर 29 प्लस एक्स, ये एक द्विपदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। त्रिपदीय बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें पदों की संख्या तीन हो। तो दोस्तों किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या अनंत तक हो सकती है। वैसे जिनमें चार पद होंगे तो उनको चतुर्पदीय कहेंगे, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो इनको जोड़ने और घटाने को समझने से पहले हम समझ लेते हैं गुणांक के आधार पर जो पद होते हैं, एक सजातीय पद, समान पद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके बीजीय गुणांक एक समान होते हैं जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम सजातीय पद या समान पद कहते हैं। जैसे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और नाइन एक्स स्क्वायर, जब इनका हम कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं इनमें भी बीजीय गुणांक एक्स स्क्वायर और इनमें भी बीजीय गुणांक एक्स स्क्वायर, इसलिए ये एक सजातीय पद होगा। जैसे टेन जेड वाई एक्स इंटू माइनस नाइन जेड वाई एक्स, यदि आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप बताएंगे इनमें एक समान पद है जबकि इनके अंकीय गुणांक से कुछ भी हो सकते हैं। आपको देखना है कि इनके बीजीय गुणांक यदि समान हैं तो वो सजातीय पद कहलाएंगे। अब ठीक इसका उल्टा होता है विजातीय पद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें आपके बीजीय गुणांक असमान होते हैं उन्हें हम असमान पद कहते हैं या विजातीय पद कहते हैं। तो आप देख सकते हैं टेन जेड स्क्वायर वाई एक्स और नौ जेड वाई एक्स, इनमें जब आप कंपेयर करेंगे बीजीय गुणांकों का तब आप देखेंगे इनमें एक जेड की अधिकता है, इसलिए ये एक विजातीय पद है। दोस्तों सजातीय पद या विजातीय पद का मैथ में क्या रोल होता है, तो इसका सिर्फ रोल इतना होता है कि जब भी किसी विजातीय पद या जब भी किसी बीजीय व्यंजक वाले पद को हम जोड़ते या घटाते हैं तो इन्हीं रोल के अनुसार घटाते हैं। यदि बीजीय व्यंजक समान है तो उन्हें हम जोड़ या घटा सकते हैं और यदि बीजीय व्यंजक असमान है तो उन्हें जोड़ या घटा नहीं सकते। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं टेन वाई स्क्वायर एक्स प्लस नौ एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस सिक्स वाई स्क्वायर एक्स, जब इन्हें हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हम इनमें देखेंगे कि बीजीय गुणांक यदि समान है तो वो पद जुड़ या घट सकता है। जैसे आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर एक्स, ये दोनों बीजीय गुणांक समान हैं इसलिए ये जुड़ या घट सकते हैं। टेन वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई स्क्वायर यानी कि फोर वाई स्क्वायर एक्स। अब देखें इस पद में जो बीजीय गुणांक है इस पद का बीजीय गुणांक असमान है इसलिए इन्हें जोड़ या घटा नहीं सकते और नाइन एक्स स्क्वायर वाई। अब इनमें हम पता करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। बहुपद को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर अचर संख्याएं क्या होती हैं और सजातीय पद विजातीय पद क्या होता है। अब समझते हैं बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें कुछ एक विशेष क्राइटेरिया रखी गई है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है एक बीजीय व्यंजक तब हम उसे बहुपद कहते हैं। वैसे तो बहुपद का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत से पद जिसमें हों, लेकिन दोस्तों इसकी एक लिमिटेड परिभाषा है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उन्हें हम
बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को समझना है तो हम देख सकते हैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स पॉलीनोमियल्स फॉर एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन। दोस्तों यहां पर जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन है ये संख्याएं ए वन ए से लेकर एन है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को गिना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं वन अपान टू एक परिमेय संख्या है, बाईस अपान सेवन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, बाईस बटे सात भी एक अपरिमेय संख्या है और फोर एक पूर्णांक है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। और आपने देखा ये प्राकृतिक संख्याएं जो यहाँ पर आप इस बहुपद में देख रहे हैं ए नाट ए वन ये सब एक प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं एक्स की पावर वन एक्स की पावर टू और एक्स की पावर एन, ये आप पावर का मतलब होता है डिग्री यानी घात, और घात के लिए किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए उसकी घात की दो शर्तें हैं। पॉइंट नंबर वन, उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उस चर में उस बीजीय व्यंजक में जो चर पद होता है उसकी पावर कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर p एक फोर डिजिट है, q एक थ्री है, तो ये संख्या होगी फोर अपान थ्री और ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। यदि q जीरो होता है जैसे फोर अपान जीरो, और जब भी किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या का कोई भी हल नहीं निकलता और वो इनफाइनाइट होता है। इसलिए परिमेय संख्याओं में परिमेय होने के लिए उसका जो हर है जीरो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए पॉइंट नंबर वन उसकी पावर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और पॉइंट नंबर टू उसकी पावर परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हम समझते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और दूसरा टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अंडर रूट एक्स। आप इनमें देखेंगे कि ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, जैसा हम पीछे मेंशन कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने बताया कि इसको बहुपद होने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल करनी चाहिए, एक उसकी पावर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हम इनमें देख रहे हैं पावर ऋणात्मक नहीं है, और दूसरा उसकी पावर परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर एक परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रूट एक्स है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है पावर वन अपान टू। जब पावर वन अपान टू हुआ, वन अपान टू मतलब एक परिमेय संख्या, इसलिए ये वाला बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकता, जबकि ये एक बहुपद है। दूसरा, टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट सेवन एक्स, अब हम इसको देखेंगे ये एक बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो आपने देखा कि टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर धनात्मक है, यहाँ पर भी एक्स की पावर धनात्मक है और एक पूर्णांक है, और यहाँ पर रूट सेवन। तो जैसा हमने बताया कि जो आपका बीजीय गुणांक होता है, बीजीय गुणांक ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि उसका अंकीय गुणांक कुछ भी हो सकता है, वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो या एक पूर्णांक हो, वो मैटर नहीं करता है, इसलिए ये एक बहुपद होगा। तो आप जान चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद के जो बहुपद है उनको हम कैसे लिखते हैं। बहुपद को लिखने के लिए जैसे हमने एक उदाहरण लिया 3x² + 7x³
थ्री माइनस नौ एक्स की पावर टेन। अब हम इसमें देखेंगे कि ये बहुपद एक लोवेस्ट टर्म है, लेकिन इनमें हम देखेंगे कि ये कुछ बहुपद की घात, इनमें बहुपद की घात क्या है। तो दोस्तों याद रखना कि किसी भी बीजीय व्यंजक में उस व्यंजक में जिस पद की अधिकतम घात होती है उन्हें हम उस बीजीय व्यंजक बहुपद का उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इनमें बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात आप देख सकते हैं इस पद का घात सबसे अधिक है, इसलिए ये इसकी घात होगी टेन, बहुपद की घात। कभी कभी आपका एक नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि इनमें बहुपद की घात क्या होगी, और आपको दे दिया जाएगा विकल्प 9, 10, 11, 12, तो आपको टिक करना है कि जो सबसे अधिक पावर है। तो आप ये आप समझ सकते हैं। अब बहुपद को, बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप कभी कभी आ जाता है, बहुपद को मानक रूप में लिखिए। तो बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए जो बीजीय व्यंजक होता है, जो बहुपद होता है, उनके घातों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उन्हें लिख देते हैं। आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं बढ़ते क्रम, जैसे 1, 2, 3 से लेकर जितनी भी घात हों इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। और दूसरा अवरोही क्रम, इसका होता है 3, 2, 1। अब जैसे अगर इस बहुपद को हमें मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले आप देखेंगे इनमें पावर सबसे ज़्यादा किस पद की है, तो आप देखेंगे माइनस नौ एक्स की पावर टेन, फिर आपका है 7x³ + 3x² दोस्तों, ये हुआ बहुपद का मानक रूप। आपको इनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप x² + 9x + 6x³ तो दोस्तों कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जब इनका मानक रूप पूछता है तो ऐसे लिख देते हैं 9x + 6x³ + x² जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इनके हम संख्यात्मक गुणांक को बिल्कुल, इनमें इनका कोई रोल नहीं होता, बल्कि इनके हमने बताया कि इनकी जो पावर होती है उनके आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब हम समझते हैं बहुपद क्या होता है, समझ लिया बहुपद को कैसे कैटेगराइज किया गया है, उन कैटेगरी के आधार पर उनके कुछ विशेष नाम दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। नंबर एक, घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद पहला है आपका, उनको कुछ भागों में बांटा गया है। वैसे तो घातें जो होती हैं आपकी 100, 200, 500 अनंत तक हो सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष नामों को हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिनमें पदों की मैक्सिमम संख्या एक होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 9y, आप देखिए इसमें पावर कितनी है y की, कुछ नहीं 1, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद है। -30x, ये भी एक रैखिक बहुपद है। अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद, इसके शब्द से ही जैसा कि हमें पता चल रहा है, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिनमें पावर मैक्सिमम 2 होती है, जिन बहुपदों में जैसे 3x² + 9x, ये एक ऐसा बहुपद है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या मैक्सिमम 3 होती है उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 9x³ - 6xy + 8, आप इनमें देखेंगे घात की संख्या कितनी है मैक्सिमम 3, इसलिए त्रिघात बहुपद। अब हम समझ लेते हैं शून्य बहुपद क्या है। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिनमें उनके चर के गुणांक सभी शून्य हो जाते हैं उन्हें हम शून्य बहुपद कहते हैं। इन्हें उदाहरण के माध्यम समझते हैं, जैसे px = x² + 5x। अब जब x की वैल्यू आप जानते हैं, अगर x की वैल्यू इनमें 0 आ गई और हम इस समीकरण में यानी इस बहुपद में हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं x की वैल्यू 0 की पावर 2
प्लस 5 × 0, ये पूरा 0 हो गया, इसलिए ये एक शून्य बहुपद कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं बहुपद को, पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर बहुपद को भी कुछ विशेष नाम दिए गए हैं, जैसे एक पदीय बहुपद, आप इनके शाब्दिक अर्थ से समझ सकते हैं, एक पदीय बहुपद यानी जिनमें एक पद होगा, जैसे x^30 एक पदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, जिनमें पदों की संख्या मैक्सिमम आपको 2 दिखेगी, ऐसा बहुपद द्विपदीय बहुपद होगा। त्रिपदीय, जिनमें 3, ऐसे अगर 4 होंगे तो चतुर्थ पदीय बहुपद जितने भी होंगे। अब हम समझते हैं एक विशेष प्रकार का बहुपद, उसके बाद जैसे आपको हम कुछ उदाहरण के माध्यम समझाते हैं एक विशेष प्रकार के बहुपद, जैसे 9x² + 6, दूसरा लिखा 9/6x² + 7, और यहाँ पर √2x + 9y². अब इनमें हम देखेंगे कि जो इनमें संख्यात्मक गुणांक है, बीजीय गुणांक का जो संख्यात्मक गुणांक है, इनमें 9 है और इनमें आप देख रहे हैं 9/6 है और इनमें एक √2 है, तो 9 क्या है, एक पूर्णांक संख्या, और 9/6 अभी हमने बताया आपको पीछे, ये एक परिमेय संख्या है इस, और ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम कभी भी डिवाइड करके उनका मान निकाल नहीं सकते, यानी उन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिनको हम भाग ही नहीं कर सकते, तो p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये एक अपरिमेय, तो इन्हें हम एक पूर्णांक बहुपद कहते हैं और इन्हें हम एक परिमेय बहुपद कहते हैं और इन्हें हम एक अपरिमेय बहुपद कहते हैं। अब हमने समझ लिया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या है, और बहुपद को उनके घात के आधार पर कैसे बांटा गया है, और उनके पावर के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया है। अब हमारे जो हाई स्कूल के पहला अध्याय है उनमें परिमेय व्यंजक पढ़ना है। परिमेय व्यंजक क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली और देखेंगे कि परिमेय व्यंजक क्या होता है। परिमेय व्यंजक ऐसे बहुपद जब हम दो या दो से अधिक बहुपद को जब हम उनके रेशियो में लिखते हैं। रेशियो का मतलब होता है, जैसे हमने एक संख्या लिखी 4:3, अब हम उनको लिख सकते हैं, आपने पढ़ा 4/3, यानी एक परिमेय संख्या हो गई। तो आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं परिमेय व्यंजक, तो परिमेय का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर परिमेय व्यंजक, तो परिमेय व्यंजक की जो परिभाषा है, दो बहुपदों के अनुपात को, दो बहुपद के अनुपात, मतलब px एक बहुपद है, अनुपात qx, और जब हमने इनको px/qx यानी दो बहुपदों के अनुपात को हम परिमेय व्यंजक कहते हैं, ये इसकी बिल्कुल परिभाषा हुई। अब जबकि इनमें qx≠0, अभी हमने आपको बताया अगर qx 0 हो जाता है तो संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, जो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय नहीं होगा तो वो एक परिमेय व्यंजक नहीं होगा। तो परिमेय व्यंजक की एक छोटी सी परिभाषा, दो बहुपदों के अनुपात को हम परिमेय व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने लिखा x² + 5x + 6/x + 6, आप देख रहे हैं जो आपका अंश है ये भी एक बहुपद है, हर ये भी एक बहुपद है, इसलिए ये एक परिमेय व्यंजक है। लेकिन कुछ अन्य उदाहरणों को समझ लेते हैं, x² + 5x−3+6/x + 6, ये कैसा बहुपद है, आप देख रहे हैं ये कैसा परिमेय व्यंजक है, ये परिमेय व्यंजक है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंश में x−3, और हमने बताया कि जब ये बहुपद नहीं है तो परिमेय व्यंजक नहीं होगा, तो ये आपका परिमेय व्यंजक नहीं होगा क्योंकि इनमें x² ऋणात्मक। अब हम समझते हैं कि परिमेय व्यंजक जो होता है,
जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, क्या ये एक बहुपद है? तो आप उत्तर देंगे बिल्कुल एक बहुपद है, लेकिन हमने पूछा कि क्या ये एक परिमेय व्यंजक है, आप कहेंगे ये परिमेय व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय व्यंजक होने के लिए इनके हर में एक बहुपद होना चाहिए, और आप देख रहे हैं इनके हर में बहुपद नहीं है, लेकिन हम कहेंगे मैथमेटिक्स कहती है कि ये एक परिमेय व्यंजक है। आइए समझते हैं कैसे। आप इसके नीचे वन लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या को हम वन से डिवाइड कर सकते हैं और संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और वन है। अब देखिए वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो बराबर वन होता है। कैसे होता है? मान लिया आप एक समीकरण हल करते हुए आपको अंत में आया एक्स क्यूब अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, आपको ये हल करना है, और आप हल करेंगे बराबर एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब, आप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू वन हो जाएगी। अगर इनको हम इस मेथड से हल ना करके इस मेथड से हल करें कि एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब बराबर एक्स की पावर थ्री, और आप देखते हैं कि एक कर्ली होती है, कर्ली मेथड में ये होता है कि जो हर में होता है जब हमने अंश में ले जाते हैं तो जो वेरिएबल की पावर होती है वो रिवर्स हो जाती है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स की पावर माइनस थ्री होगी, और पावर पावर कैंसिल, एक्स पावर जीरो, और आपने देखा कि एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब बराबर वन होता है, इसलिए ये भी वन होगा, और हमने इंटू एक्स की पावर जीरो लिखते हैं। अब ये एक बहुपद हो गया, बहुपद हो गया, इसलिए ये एक परिमेय व्यंजक है। तो कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है कि क्या सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी बहुपद, अभी हमने बताया कि सभी बहुपद जो है परिमेय व्यंजक होते हैं, लेकिन दोस्तों सभी परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। आइए इन्हें हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपान एक्स की पावर टू। अब आप देख रहे हैं कि ये एक परिमेय व्यंजक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि क्या सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं, तो हम पहले इन्हें हल करेंगे। एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अपान एक्स स्क्वायर, इन्हें कैंसिल आउट कर दिया, बचे वन प्लस, यहाँ पर देखेंगे फाइव पावर ऊपर जाएगी माइनस टू पावर, इसमें वन पावर है, इसलिए एक्स की पावर आप देखेंगे एक्स की पावर माइनस वन, यहाँ पर सिक्स एक्स की पावर माइनस टू। अब यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं कि पावर जैसे ऋणात्मक हुई तो वो एक बहुपद नहीं रह जाएगा, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में जो आपने समझा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं, परिमेय व्यंजक क्या होते हैं, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रश्नावली का, जो पहली प्रश्नावली है उनके सवालों को हम हल करेंगे।